शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर, शनिवार अर्थात नो बैक डे को करने वाले सभी कार्य जिसमें प्रत्येक महीने के अलग अलग शनिवार को अलग अलग थीम आधारित गतिविधि क्या क्या गतिविधि संपादित करनी है, साथ ही शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है, लाइक जरूर से करिएगा। सबसे पहले नो बैग डे शनिवार की मुख्य बातों की बात करें तो लिखा गया है इस दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना है। शनिवार के दिन स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। प्रत्येक सप्ताह के में शनिवार को योगा और जनरल नॉलेज की क्लास लगेगी। इस दिन बच्चों में उत्साह रहेगा। साथ ही थीम आधारित गतिविधि की बात करें तो माह के पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानो, दूसरे शनिवार को भाषा कौशल विकास, तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, इसी तरह चतुर्थ शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा, पांचवा शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ। साथियों इस संबंध में अभी तक कोई आदेश नहीं आया कि इन कार्यों का जो भी गतिविधि होंगी उनके रजिस्टर संपादित करने हैं कि नहीं करने, अगर रजिस्टर संपादित करने हैं तो किस तरह से क्या क्या प्रविष्टि रजिस्टर में की जानी है यह आपके साथ चैनल के माध्यम से साझा किया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। बाकी साथ में कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी साथ ही आप देख सकते हैं ऑफिशियल आदेश जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि शनिवार के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पंचम शनिवार तक क्या क्या करवाया जाना है। बाकी नो बैग डे के दिन आनंददायी तरीके से सीखने सिखाने के लिए कक्षावार न होकर समूहवार होगी। जैसे कक्षा एक और दो के एक समूह बनाया जाएगा, तीन से पाँच का एक समूह, छः से आठ का एक समूह, नौ दस का एक समूह और ग्यारह बारह का एक समूह, अलग अलग समूह होगा। तो साथियों समूह अनुसार गतिविधि होगी। समूह अनुसार गतिविधि के अलावा कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई काम रह जाता है जो सरकार के आदेश द्वारा निकाला जाएगा तो आपके साथ साझा जरूर किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि क्या क्या गतिविधि होगी, गतिविधि भी क्या क्या होगी इस बारे में बात करें तो लिखा गया है क्या एक्टिविटी करेंगे बच्चे। स्कूल समय में विद्यार्थियों को विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखा जाएगा, इसका दायित्व शिक्षक का होगा। पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदनवार प्रतियोगिता करवाना, देशभक्ति गीत, संगीत, क्विज, निबंध प्रतियोगिता, आंसू भाषण आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा। इसके अलावा खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खो खो, चेस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी इत्यादि भी इन प्रतियोगिता का आयोजन करना होगा। साथ ही योग का अभ्यास भी करना होगा। श्रमदान की भावना जागृत करने के लिए बच्चे श्रमदान भी कर सकेंगे और बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और महान वैज्ञानिकों की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। साथियों यह महत्वपूर्ण गतिविधि जो सभी विद्यालयों में संपादित होनी है। बाकी इसके अलावा कोई आदेश होता है तो चैनल के माध्यम से साझा किया जाएगा। अभी जितना आदेश मिला है उसके अनुसार हमें यह गतिविधि संपादित करवानी है। प्रत्येक विद्यालय में समूहवार गतिविधि संपादित करवानी है। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा विभाग से जुड़े हर एक शिक्षक साथी तक यह वीडियो अवश्य शेयर करें जिससे सभी तक यह महत्वपूर्ण जानकारियां साझा हो सके। धन्यवाद।